अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्लैट टाइप सिस्टर्न। इन प्रीवियस क्लास वी हैव रेड अबाउट बेल टाइप सिस्टर्न, सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। दिस टाइप ऑफ सिस्टर्न इज़ प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ 3 फीट अबव द फ्लोर और कॉमनली यूज्ड नाउ। तो ये ऐसे सिस्टर्न हैं जो भी हम बाथरूम बनाएंगे घर में, तो वहाँ पर हमें 3 फीट के हाइट पे इसको इंस्टॉल करते हैं। किसको इंस्टॉल करते हैं? फ्लैट टाइप सिस्टर्न को। और ये कॉमनली आज रेजिडेंशियल हाउस या कमर्शियल में यूज़ होती है। इट इज़ जनरली मेड ऑफ प्लास्टिक एंड हैज़ ए फ्लैट वैल्यू इनसाइड। तो ये प्लास्टिक की बनी होती है और इसमें एक फ्लैट वैल्यू जो है, इसके जो फ्लैट टाइप सिस्टम इसमें जो है एक फ्लैट वैल्यू होता है। इट स्टॉप्स द वाटर आउट ऑफ द टैंक गेट्स फिल्ड। तो इसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, तो जैसे मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जब फिल होता है इसमें पानी, तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है जब टैंक फुल हो जाता है, और जब टैंक खाली हो जाता है इसमें, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें पानी खुद आ जाता है। वाटर फ्लश आउट एट द प्रेस ऑफ बटन। तो इसमें एक बटन लगा होता है बाहर, जो जो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इससे जो पानी है वो वाटर क्लोजेट में चला जाता है, और इसमें जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है तो वो इससे फ्लश हो जाता है, ड्रेन ऑफ, डिस्पोज ऑफ हो जाता है। तो इसी का एक दूसरा टाइप है ऑटोमेटिक सिस्टर्न। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ मेनली यूज, ये हम यूरिनल्स में यूज़ करते हैं। लॉट ऑफ वाटर यूज टू इन दिस सिस्टम। दिस सिस्टम आर मेनली यूज इन पब्लिक प्लेस, फॉर एग्जाम्पल बस स्टैंड। तो ये हम पब्लिक प्लेस में यूज़ करते हैं, तो इससे जो जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है ये हम वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिस्टर्न, जैसे पब्लिक प्लेस में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन में, एट्सेट्रा। दिस इज इमेज ऑफ फ्लैट टाइप सिस्टर्न। जैसा आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ये इमेज एक फ्लैट टाइप सिस्टर्न की है। तो ये इसका इनपुट है, ये पाइप जो आपको नज़र आ रही है एक इनपुट है इसका, इससे इस टैंक में जो है पानी फिल हो जाता है, वाटर इसी, ये इसकी सप्लाई लाइन आप माने, तो इसी से इसमें पानी चला जाता है। और ये जो नॉब है या ये, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम प्रेस करते हैं, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इसी की हेल्प से पानी जो है वो वाटर क्लोजेट में चला जाता है। और ये प्लास्टिक का बना है, तो ये मैंने इसको जूम करके रखा है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कर लिया। इसका इनपुट है, ये इसकी इनपुट पाइप है जहाँ से इसमें पानी आ जाता है, तो इसको हम इजीली। और यहाँ पे जो मैंने आपको पहला पार्ट, इसके दो पार्ट्स हैं, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ सेकंड। यहाँ पर मैंने एक लिड है, उसको हम इजीली असेंबल डिसअसेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिसअसेंबल कर रहे हैं, यहाँ इसमें डिफरेंट टाइप लॉक्स लगे होते हैं, तो ये यहाँ पे लॉक लगा है इसमें, इसको हम द हेल्प ऑफ हैंड्स इसको निकाल सकते हैं, और इसका जो लिड है वो ओपन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका लिड जो है वो ओपन किया है, तो जैसा आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो है यहाँ पे, ये इसमें एक ओवरफ्लो लगा है इसमें, इन केस अगर टैंक फुल हो जाता है तो यहाँ से इसका ये पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता है। ये ओवरफ्लो जो मैंने आपको भी दिखा, ये इस साइड में होता है, इस साइड में होता है, इस एंड पे होता है ये, तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी है वो इससे ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये हमने इसके लिड को ओपन किया है, यहाँ पे आपको इजीली क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बॉल जैसी आपको नज़र आ रहा है बॉल, ये इसमें वाटर है, पानी है इसमें, और यहाँ से जो है इसमें पानी, जो मैंने अभी कहा था लेफ्ट राइट साइड से इसमें जो सप्लाई लाइन लगी है वहाँ से इसमें पानी आ जाता है,
और ये एक नॉब लगा है इसमें, यहाँ पे नॉब लगा है और इस नॉब के साथ ये हैंडल लगी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे बॉल जो मैंने अभी कही ये बॉल लगी होती है और यहाँ से जो है इनपुट इसमें पानी आ जाता है। तो इसका सिस्टम क्या है, जैसे इस टैंक में पानी फुल हो जाता है अपनी कैपेसिटी, जो इसकी कैपेसिटी है, तो ये बॉल यहाँ से इसकी जो है बिकॉज ऑफ दिस वाटर ये उसकी हाइट ऊपर हो जाती है। और इसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है इससे क्या होता है, यहाँ पे जो ये लॉक हो जाता है और इसमें पानी नहीं आता है। दैट मीन्स व्हेन टैंक इज़ फुल इट गेट्स लॉकड, तो इसमें फिर पानी नहीं आता है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो यहाँ से ये लॉक हो जाता है। लेकिन जब यही पानी इसमें ख़त्म हो जाता है, तो ख़त्म कहाँ से होगा, जब हम इस नॉब को यहाँ पे इस नॉब की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये जो नॉब यहाँ पे जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये इस पार्ट को विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल ये इसको रेज करता है। और इससे क्या होता है, इससे जो वाटर कोलोजन में यहाँ से पानी चला जाता है, जब इसमें पानी चला जाएगा तो ये बॉल नीचे आएगी, ये टच करेगी इसके बॉटम को, तो इससे फिर इसमें पानी आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब ये पार्ट जब हम इसको प्रेस करेंगे इस पार्ट को तो क्या होगा, तो बिकॉज व्हेन वी प्रेस दिस ये पार्ट एबो डायरेक्शन में मूव करेगा ये पार्ट, तो इससे क्या होता है इससे वाटर कोलोजन में पानी चला जाता है और जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाटर कोलोजन में पानी जा रहा है, तो यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे आपके लिए ये एक बॉल है। तो इस वक्त जो ये टैंक जो है ये खाली है, तो अब ये टैंक खाली है तो ये बॉल जो है इसके बॉटम को, ये इसका बॉटम है यहाँ पे, ये इसके बॉटम के इस टैंक की बॉटम को टच कर रहा है। जब इसमें पानी फिल हो जाएगा ये फिर यहाँ पे पहुँचेगी और ये उस वक़्त क्लोज हो जाएगा। तो ये पार्ट जो है इस पार्ट को जब हम एबो डायरेक्शन में मूव करके विद द हेल्प ऑफ दिस नॉब, तो क्या होता है इसी के थ्रू पानी चला जाता है वाटर क्लोजेट में। तो अब ये वाटर सप्लाई लाइन है इसमें, और ये जो नीचे एक पाइप, इसमें नीचे एक पाइप, ये पार्ट जो है इस पार्ट से इस नॉब जब हम नॉब को प्रेस करेंगे तो ये पार्ट जो है इस एबो डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसी के थ्रू वाटर कोलोजन में पानी चला जाता है, उसमें जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो रिमूव हो जाता है। और इस साइड में एक पार्ट लगा होता है जिससे ओवरफ्लो पानी जो है इससे बाहर चला जाता है। और यहाँ पे एक बॉल लगी होती है जो आपने देखी है ऐसे, तो इसी की हेल्प से इसमें पानी चला जाता है और स्टार्ट भी हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।